नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के नियमित होने से राष्ट्रीय राजधानी के 40 लाख से ज्यादा लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण। नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में नागपुर में रैली, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी अगुवाई की। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। झारखंड में विधानसभा की सभी 81 सीटों की कल होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी। क्यूबा में 40 वर्ष बाद मैनुअल मारो क्रूज देश के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त। और कटक में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज से पहले बल्लेबाजी करने को कहा। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाना यहां के 40 लाख से अधिक निवासियों के जीवन में आशा की नई किरण है। नई दिल्ली में रामलीला मैदान में धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में दिल्ली के लोगों में इस मुद्दे को लेकर आशंका बनी हुई थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है। जीवन से जब अनिश्चितता निकल जाती है, एक बड़ी चिंता हट जाती है, तो उसका प्रभाव क्या होता है, ये मैं आज आप सभी के चेहरे पर देख रहा हूं, आपके उत्साह में देख रहा हूं, आपकी गर्मजोशी को अनुभव कर रहा हूं। मुझे संतोष है कि दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में नया सवेरा लाने का एक उत्तम अवसर मुझे और भारतीय जनता पार्टी को मिला। प्रधानमंत्री उदय योजना के माध्यम से आपको आपके अपने घर, अपनी जमीन, अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, उस पर संपूर्ण अधिकार मिला। श्री मोदी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के मुद्दे पर केवल बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए संसद के दोनों सदनों में इस बारे में विधेयक पारित करके इसे कानूनी जामा पहनाया। इससे पहले वरिष्ठ भाजपा नेता और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष के शासन वाले राज्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत को लागू नहीं कर रहे हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर झूठे वायदे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार तो केवल विज्ञापन जारी करने में व्यस्त है। इस रैली का आयोजन दिल्ली में 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देने के लिए किया गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी और अन्य नेताओं ने भी रैली को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। आज नागपुर में संविधान चौक पर एक रैली में उन्होंने ये बात कही कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी बांग्लादेश में हिंदुओं की है और वहां बांग्लादेश से हिंदू निर्वासित करके आए हैं, उन सबको हमने नागरिकत्व देने का, नागरिकता देने का निर्णय किया है, कौन सा गलत निर्णय नहीं है। कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अन्याय करने वाला ये कोई निर्णय नहीं है। हम कोई माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। ये रैली नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी सहित कई संगठनों ने बुलाई थी। श्री गडकरी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के लिए अल्पसंख्यकों में भय पैदा करने के उद्देश्य से दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि पाकिस्तानी अभिनेता अदनान सामी और सलमा आगा को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील की है कि वे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें।
आज हैदराबाद में पार्टी मुख्यालय में एक बैठक में उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों का विरोध दूसरे देशों से आए विस्थापितों को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म इसका आधार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को बहुत पहले रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में स्थिति सामान्य है और कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। वाराणसी, चंदौली और अलीगढ़ सहित कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के बाद बहाल हो गई हैं, हालांकि कुछ शहरों में इस पर अब भी रोक लगी है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अफवाहों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समाज के प्रभावशाली लोगों से संपर्क कर रहे हैं ताकि वे समाज में सही संदेश प्रचारित कर सकें। इस बीच पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल उपद्रवियों की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। राज्य में आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अब तक 879 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई शहरों में प्रदर्शनों के दौरान भड़के हिंसा में 288 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा है कि राज्य सरकार समाज के हर व्यक्ति के लिए है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग और विद्वानों से अपील की कि वे आगे आकर प्रशासन की मदद करें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार चौबे ने आकाशवाणी को बताया कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और इसके एक घंटे बाद रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। 81 सदस्यों की विधानसभा के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 चरणों में मतदान हुआ था। मेघालय की राजधानी शिलांग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा या आगजनी की घटनाएं रुकने के बाद आज सुबह से कर्फ्यू हटा लिया गया है। आज शिलांग में जरूरी सामान और क्रिसमस की खरीदारी के लिए दुकानों में लोगों की भीड़ देखी गई। सड़कों को क्रिसमस की रोशनी और फूलों से सजाया जा रहा है। शिलांग में सदर और लुमडिंगेरी इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के बाद इस महीने की 12 तारीख से कर्फ्यू लगा दिया गया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज 2 दिन की ईरान यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वे ईरान के विदेश मंत्री के साथ 19वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से भी भेंट कर सकते हैं। और अब वार्षिकी 2019 के अंतर्गत प्रस्तुत है भारी उद्योग मंत्रालय की उपलब्धियों का ब्यौरा। इस साल फेम इंडिया स्कीम के तहत विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 64 शहरों के लिए 6000 ई बसों को स्वीकृति दी गई है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य विद्युत वाहनों को बढ़ावा देकर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण लाना है। साथ ही भारी हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इसरो द्वारा विकसित लिथियम आयन आधारित बैटरी के निर्माण के लिए बेंगलोर में कई कदम उठाए हैं। इस वर्ष ऑटोमोबाइल उद्योग का कारोबार 8 लाख करोड़ से ज्यादा रहा, जो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 7.1% है। गौरतलब है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर देश में रोजगार देने वाले बड़े क्षेत्रों में एक है, जहां 3.70 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। वार्षिकी के लिए आकाशवाणी समाचार दिल्ली से मैं दिवाकर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कल नई दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। गुजराती फिल्म हिलेरो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधुन और विक्की कौशल को उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
देर से गर्भधारण विषय पर बनी फिल्म बधाई हो का चयन सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म के तौर पर किया गया है। वयोवृद्ध अभिनेत्री सुरेखा सीकरी को सर्वोत्तम सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। गायक और गीतकार स्वानंद किरकिरे को मराठी फिल्म चुंबक के लिए सर्वोत्तम सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को घूमर गाने के लिए सर्वोत्तम नृत्य निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। भंसाली ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार भी जीता है। अरिजीत सिंह को पद्मावत के गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक और बिंदु मालिनी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार दिया जाएगा। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड वाला 40 दिन का चिल्लाए कला कल से शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक सूखी ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि घाटी में पिछले 10 दिनों से जबरदस्त सर्दी पड़ रही है और न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे चल रहा है। यातायात अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर रामबन क्षेत्र के डिगडोल स्थान पर तेज गति से मलबा हटाने की कार्रवाई जारी है। पिछले दो दिनों से डिगडोल रामबन सड़क हिस्से पर कम से कम 1500 यात्री वाहन और माल बरदार ट्रक अभी भी फंसे पड़े हैं। श्रीनगर लेह राजमार्ग और मुगल रोड भी वाहनों के आवागमन के लिए लगातार बंद हैं। इस बीच श्रीनगर हवाई अड्डे के निदेशक संतोष ढोके ने आकाशवाणी को बताया कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन सामान्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। तारिक रात्र, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कटक ने वेस्टइंडीज के साथ भारत ने तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में बिना किसी नुकसान के 45 रन बना लिए थे। भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज से पहले बल्लेबाजी करने को कहा। श्रृंखला में दोनों ही टीमें एक एक की बराबरी पर हैं। क्यूबा में 40 वर्ष बाद देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति मिगेल दियास ने मैनुअल मारो क्रूज को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है। इस वर्ष के शुरू में देश में नया संविधान बनाया गया था। श्री मारो एक वास्तुशिल्पी हैं और 16 वर्षों तक क्यूबा के पर्यटन मंत्री रहे हैं। क्यूबा के पूर्व नेता फिदेल कास्त्रो ने 1976 में प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया था। उज़्बेकिस्तान में पहली बार संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। पूर्व शासक इस्लाम करीमोव के वर्ष 2016 में देहांत के बाद पहली बार ये चुनाव कराया जा रहा है। करीमोव ने 27 वर्षों तक उज़्बेकिस्तान पर निरंकुश तरीके से शासन किया। इस चुनाव में 5 राजनीतिक दल मैदान में हैं। सभी दलों ने 30% महिला उम्मीदवार उतारे हैं। इस चुनाव पर 500 अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की नजर है। इनमें 12 पर्यवेक्षक भारत से हैं। 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने अपनी साझा मुद्रा का नाम बदलकर ईको करने का फैसला किया है। वर्तमान में प्रचलित मुद्रा सीएफए फ्रैंक का फ्रांसीसी उपनिवेश काल से जुड़ाव खत्म करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी बिसाउ, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल और टोगो वर्तमान में इस मुद्रा का उपयोग करते रहे हैं। गिनी बिसाउ को छोड़कर ये सभी देश फ्रांस के उपनिवेश रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और चीन पहले चरण के व्यापार समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर करेंगे। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों में व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में सहमति बनी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों का नियमित होना राष्ट्रीय राजधानी के 40 लाख से ज्यादा लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण। नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में नागपुर में रैली, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी अगुवाई की। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। झारखंड में विधानसभा की सभी 81 सीटों की कल होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी।
और क्यूबा में 40 वर्ष बाद मैनुअल मारो क्रूज देश के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।